नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से मार्च बैच का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीक हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस में यानी कि चार्ट्स में कुछ और गहराई पे उतर के हमने सपोर्ट्स कैसे बनते हैं वो जानने का प्रयास किया। क्यों एक जगह पे बार बार शेयर आके सपोर्ट लेता है, कैसे निवेशकों को फेयर वैल्यू पता रहती है एडवांस में, कैसे चार्ट भी आपको वही फेयर वैल्यू बताता है, किस प्रकार से रेजिस्टेंस बनते हैं, कैसे आपका शेयर एक लेवल पे आके बार बार टूटता है, क्यों एक लेवल पे आके निवेशकों को लगता है कि यहां पे वैल्यूएशन सस्ते हैं, यहां से मैं लूंगा मेरी यील्ड हाई रहेगी, क्यों ऐसा लगता है निवेशकों को एक लेवल पे आके कि यहां पे शेयर गिरना चाहिए, ये लेवल पे यील्ड कम रहेगी, ये सारी अपेक्षाएं निवेशक क्यों रखता है कि एक लेवल पे वो सोचे कि यहां पे शेयर सस्ता है, जबकि एक लेवल पे सोचे शेयर महंगा है एक्सपेंसिव और एक लेवल पे चीप। क्यों मुझे लगता है यहां से यील्ड ज्यादा और यहां से यील्ड कम? क्या ये कंपनी बदल गई? ये तो वही कंपनी है, वही मैन्युफैक्चर कर रही है, वही प्रोडक्ट है। तो रोज जब इनके नतीजे नहीं बदलते तो रोज भाव कैसे बदलते हैं? दोस्तों, हजारों लाखों लोग शेयर्स में अपनी पोजीशन बनाए होते हैं। जितनी कैश मार्केट में पोजीशन होती है करीबन 70-80% और पोजीशन वायदा बाजार में भी हो सकती है, ट्रेडिंग्स में हो सकती है, जिससे वॉलेटिलिटी हमेशा रहती है, जो कि नतीजे एक बार आते हैं पर हर दिन कोई नई कहानी आती है, हर दिन कोई नए न्यूज आते हैं, कुछ नई संभावनाएं होती है, कुछ नए रिस्क आते हैं, जिससे निवेशक ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में नतीजे जो हमने सोचे थे उससे भी अच्छे आएंगे, और ये उम्मीद में हमारी अपेक्षा बढ़ती है कि मेरे पास ये कंपनी का शेयर है और मेरी अर्निंग बढ़ेगी। दोस्तों, अर्निंग बढ़ने का सीधा मतलब है मेरी यील्ड बढ़ेगी। एफडी में जहां मुझे 6% मिलते हैं, मैं शेयर बाजार में आया मेरी यील्ड बढ़ाने को, अब मुझे 10-12% मैं यील्ड लेने का प्रयास करता हूं, हर संभावना मुझे अवसर नजर आती है और जिससे मुझे लगता है कि मेरी यील्ड बढ़ेगी, चलो ये शेयर तो और चलने वाला है। स्पेकुलेटेड माइंड वाले लोग और ज्यादा पोजीशन बनाते हैं जिससे वॉलेटिलिटी और बढ़ती है। सेम चीज का उल्टा, हर रोज नई संभावनाएं, नए न्यूज, नए रिस्क नजर आते हैं और उन रिस्क से निवेशकों को यह भी लगता है कि पिछले साल ये जो 100 रुपए वाली कंपनी है जिसने हमें 4 रुपए की अर्निंग दी, लेट मी टेल यू, 100 रुपीज का ये शेयर का भाव था, उसने मुझे 4 रुपए की अर्निंग दी, यानी मेरी यील्ड 4% की हुई। इस 4 रुपए की अर्निंग में मुझे 1.5 रुपया डिविडेंड मिला, ये मेरी डिविडेंड यील्ड हुई। अब जैसे ये शेयर नीचे घटते घटते अगर ये वॉलेटिलिटी में 50 रुपया आ जाता है तो कंपनी तो मेरी वो ही है, लेकिन एक लेवल पे आने पे मुझे लगता है कि यहां पे तो यार मेरी यील्ड 8% हो गई, मेरी अर्निंग तो 4 रुपए की है, शेयर घट के 50 आ गया, मेरी यील्ड यहां पे 8% की है, क्यों ना मैं इधर लू।
तो लोअर लेवल पे इसीलिए बाइंग्स आते हैं, अगर वहां से अगर वैल्यूएशन अच्छे हैं। उसी प रकार से यही जो 100 रुपए वाला शेयर है, ये जब 200 रुपए होता है दोस्तों, वही अर्निंग है सेम 4 रुपए की, आपकी 4% की यील्ड 2% हो जाती है, सेम कंपनी डिफरेंट यील्ड। 200 पे कौन लेंगे? वही लेंगे जिनको 2% यील्ड मिलेगी। जिन्होंने 50 में लिए उनको भी 1.5 रुपया डिविडेंड। दोस्तों डिविडेंड यील्ड 3% हुई। जो 200 पे लेंगे उनको भी 1.5 रुपया डिविडेंड। इसीलिए एक लेवल पे आने पे सेलिंग प्रेशर आता है, लेकिन ये जो रेंज जो बनती है, इस रेंज को कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की रेंज। जब तक उम्मीदें नई नहीं आती है, उम्मीदें नए प्रॉफिट की, उम्मीदें लाइफ टाइम हाई सेल्स की, दोस्तों उम्मीदें लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट की जब तक ना आए, तब तक हम शेयर को नए हाई पे नहीं देखते हैं। दोस्तों शेयर्स नए हाई पे तभी आते हैं एक रेंज से निकल के, जब लाइफ टाइम हाई सेल्स की उम्मीद की जाए या आ गए हो। लाइफ टाइम हाई सेल्स आए इसका मतलब सीधी बात है प्रॉफिट भी आएंगे, और प्रॉफिट का मतलब सीधा हो गया कि मेरी यील्ड बढ़ने वाली है, तो लोग हाई भाव पे भी लेने को आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है ये भाव भी सस्ता है। और इसी प्रकार से दोस्तों चार्ट बनते हैं। सो दिस इज द वे योर चार्ट मूव्स। दोस्तों इन्हीं चीजों पे हम लोगों ने लास्ट पूरे वीक डिस्कस की। हमने सपोर्ट यानी फेयर वैल्यू देखी, हमने रेजिस्टेंस यानी हाई वैल्यूएशंस देखे, हमने ये जानने का प्रयास किया कि शेयर क्यों रेंज बदलता है। रेंज का मतलब दोस्तों मैंने इतने वर्षों में देखा है कि जब एक जमाना था तब मैं ये रेंज में खरीदा करता था, शेयर में जबरदस्त रैली आई अपेक्षाओं से कि प्रॉफिट बढ़ेंगे, कुछ समय रेंज में रहता है, फिर वापस नई रैली आती है नए अपेक्षाओं से। तो दोस्तों फंडामेंटली आप लोग जो सीखे, वो कंपनियां जो डिमांडिंग इंडस्ट्री से है उनके सेल्स बढ़ते रहते, तो वहां से जो कंपनियां होती है उनमें आप ऐसी रैली देखते हो, शेयर आपके हर बार एक नई रेंज में आते हैं, फिर पुरानी रेंज वापस नहीं आती। Every 2-3 years we see your shares come in new range. दोस्तों इससे वेल्थ क्रिएट होती है। कैसे शेयर नई रेंज में आए, ब्रेकआउट कैसे मिला, क्यों मिला, कब मिला? दोस्तों बड़ा प्रश्न, किसने पहले ब्रेकआउट दिया? क्योंकि पहले वही ब्रेकआउट देता है जो सबसे तगड़ा खिलाड़ी होता है। ब्रेकआउट यानी अब नई रेंज में आपका शेयर आने वाला है, अब नई दुनिया नए भाव देखेगा शेयर आपके। ब्रेकडाउन यानी वर्स्ट लाइफ, यानी आपकी कंपनी का लो वर सेल्स, लाइफ टाइम लो सेल्स, लाइफ टाइम लो प्रॉफिट्स की अपेक्षा है, जिससे लाइफ टाइम लो भाव आते रहते हैं। ये जनरली आप देखते हो डिकेइंग इंडस्ट्री में, डिकेइंग इंडस्ट्री की कंपनियों में ऐसा होता है जिनके धंधे नहीं बढ़ते हैं। हायर एक्सपेक्टेशंस और लोअर एक्सपेक्टेशन से भाव बनते हैं। हर तेजी के बाद ये ट्रेडर्स रिमोर्स आता है। ट्रेडर्स रिमोर्स यानी कोई घबराने की बात नहीं है, ये रेंज में था रैली आई, हो सकता है ट्रेडर रिमोर्स आए यानी थोड़ा आराम करे, फिर से आप रैली देखने वाले हो।
ट्रेडर्स रिमोर्स में आपको अगेन अपॉर्चुनिटीज मिलती है। मैं अगर कहता हूं सबको कि मेरे पास बरसों से अल्ट्राटेक है, जुबिलेंट है, पीआई है, तो जरूरी नहीं है सबसे पहली बार जब मैंने लिए बड़ी क्वांटिटी ली। नो फ्रेंड, पैसे भी तो उन्हें चाहिए लेने के लिए, वो समय पे। तो हमने कंफर्टेबल क्वांटिटी ली, पर ऐसे मौके तो हमें हर बार मिले। हर 2-3 साल में मैंने देखा कि मौका मिला और हमने और इकट्ठा किए। सो ट्रेडर रिमोर्स बार बार आएंगे, इट्स ऑल राइट, दैट विल बी योर अपॉर्चुनिटी। तेजी के बाद ट्रेडर रिमोर्स आना एक नॉर्मल सी चीज है। अभी कुछ लोग पूछ रहे थे लास्ट मीटिंग में, ये एफएल क्यों टूट रहा है, इट्स नॉर्मल। रैली के बाद ट्रेडर रिमोर्स आना तो एकदम नॉर्मल सी बात है। टूटे नहीं तो लेंगे कब, राइट? हर शेयर को टूटना है। हम है जो आंखों पे पट्टी बांध देते हैं जब शेयर दौड़ने लगता है, हम बोलते हैं अब ये कभी नहीं टूटेगा। हम, ये हमारी सोच होती है, पर हम अगर ये सोच रखते हैं तो हम गलत हो जाएंगे। हर शेयर के जीवन में तेजी भी आनी है, मंदी भी आनी है। बुल्स ट्रैप, दोस्तों बुल्स ट्रैप आप लोग सीखे थे लास्ट वीक। कई अलग अलग कंपनियों ने ब्रेकआउट दिया तो मुझे लगा मेरी ये करीब कंपनी भी ब्रेकआउट दे देगी, और मैंने सोचा ये ए शेयर बढ़ा इसी सेक्टर का, ये बी शेयर बढ़ा इसी सेक्टर का, ये सी शेयर बढ़ा इसी सेक्टर का, क्यों मैं ये डी शेयर पे पैसा लगाऊं, जब सब दौड़ रहे तो ये भी तो कल दौड़ेगा, दौड़ सकता है। आपकी सोच गलत नहीं है, लेकिन आप एक्सपेक्टेशन पे पैसे लगा रहे हो, आप आखिरी घोड़े पे पैसे लगा रहे हो जहां पे फेल होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते। ये पिक्चर नहीं है जहां सैफ अली खान लंगड़े घोड़े पे पैसा लगाएगा और उसका घोड़ा सबसे आगे निकलेगा। फिल्म होती तो शायद ऐसा होता, ये हकीकत है, हकीकत की दुनिया है, यहाँ तगड़े घोड़े सबसे पहले दौड़ते हैं। और इसीलिए बड़े निवेशकों का ध्यान कभी भी लंगड़े घोड़ों पे नहीं होता है, वो पहचान पाते हैं तगड़ा घोड़ा कौन है जो सबसे पहले दौड़ेगा। आपने क्वालिटी कंपनी पे इसीलिए काम किया ताकि आप झुंड में से, 100 के झुंड में से जो 1-2 तगड़े घोड़े हैं उनको पहचान सकते। लेकिन फिर भी हो सकता है फेक ब्रेकआउट मिले। दोस्तों फेक ब्रेकआउट दोनों जगह मिल सकते हैं, आप ये उम्मीद रख सकते हो, जैसे अभी हम उम्मीद रख रहे हैं कि सारी दुनिया में अच्छी रिकवरी आएगी, जीडीपी बढ़ेगा पूरी दुनिया का, लेकिन हर कंट्री का नहीं बढ़ेगा। कुछ कंट्रीज फेक ब्रेकआउट भी देंगे, निवेशकों को लग सकता है ये देश बढ़े पर वो देश ना भी बढ़े। उसी प्रकार से कुछ इंडस्ट्रीज, निवेशकों को लग सकता है ये इंडिया चल रहा है तो सब इंडस्ट्री दौड़ेगी, राइट? पर वो गलत भी हो सकते हैं, कुछ इंडस्ट्री ना भी चले। तो वो केस में फेक ब्रेकआउट आते हैं, सेल्स नहीं बढ़ने के कारण वापस आपके शेयर वही पुरानी रेंज में आते हैं। दिस इज, इस दुनिया को हम कहते हैं दिस वॉज अ फेक ब्रेकआउट, धोखा दे दिया। दोस्तों धोखे के लिए तो तैयार रहना ही पड़ेगा ना, राइट? धोखे तो मिलेंगे, कोई डाउट नहीं है, पर प्रिपेयर रहिए, तुरंत किसी पे भरोसा मत कीजिए, तुरंत किसी पे विश्वास मत खोइए। तुरंत वाली ये जो सब बातें हैं ये फास्ट फूड है, इस दुनिया से दूर रहो। लंबा समय लो विश्वास करने में भी, लंबा समय लो विश्वास तोड़ने में भी, फिर चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो देश हो। इमीडिएटली जो डिसीजन लेते हैं, जो किताब के कवर से डिसीजन लेते हैं कि ये किताब अच्छी है, उन्हीं को ज्यादा धोखे मिलते हैं। वो कहावत होगी, लेकिन हमें वो कहावत पे नहीं जाना है, राइट फ्रेंड्स? फेक ब्रेकआउट। और उसी प्रकार से दोस्तों आप फेक ब्रेक डाउन भी देखोगे, धमाम। निवेशकों ने उम्मीद की अब ये मरेगा, अब कभी भी ऊपर नहीं आएगा, गलत भी हो सकते सही भी हो सकते। ये एक ही केस में ब्रेकडाउन होगा, एक ही केस में ये नई रेंज में जाएगा। अगर इसके धंधे और प्रॉफिट नई रेंज, नीची रेंज में जाने वाले हैं, तो हर चाल को हमें ट्रैक करनी है दोस्तों हमारे सेल्स और प्रॉफिट से। सीधा कूद मत पड़ो, हर कंपनी जो ब्रेकआउट देती है उसके पीछे मत दौड़ो,
क्योंकि वो हर कंपनी में से 80% कंपनियां फेल होने वाली है, वो वापस 5 साल बाद पुराने लेवल पे आने वाली है। हमें स्ट्रॉन्गेस्ट खिलाड़ी में ही रहना है दोस्तों। सो हमारा ये असाइनमेंट, हमने क्या किया था, ये असाइनमेंट आपके सामने है। ये भी हमको जानना था कि चलो शेर कैसे रेंज में चलते हैं, कैसे रेंज को तोड़ के ऊपर निकलते हैं। मैं रेंज को पहचानना चाहता था, ब्रेकडाउन हो या ब्रेकआउट हो मैं उसे समझना चाहता था। लेकिन ये आपका होमवर्क देख के तो मेरा ब्रेकडाउन हो गया, क्योंकि इतनी सारी गैप होगी तो दोस्तों हम नहीं सीख पाएंगे। लेट मी बी हाई क्लियर, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई सिखा नहीं सकता है। मैं सिर्फ बातें कर सकता हूं बड़ी बड़ी, लेकिन वो बातें कोई काम की नहीं रहेगी अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इतनी इंडस्ट्री में प्रैक्टिस तो मैं नाश्ते के साथ करता हूं सुबह, नॉट गुड फ्रेंड्स। पूरा अब तक के जो सेशन थे, आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी विद मार्च मैच। आपने जबरदस्त काम किया था, इनफैक्ट आपने डिमांडिंग और बिहेवियर में जो काम किया लाजवाब था, सबसे बढ़िया आप लोगों का काम था। लेकिन इस बार बिल्कुल अच्छा काम नहीं। लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर, गलत कहूंगा तो फिर वो आप ही को नुकसान करेगा। ये प्रैक्टिस बिल्कुल काम नहीं लगेगी, और अगर ये प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ इतनी कंपनी हम देखेंगे तो फिर आगे बढ़ने में रुकावटें आएगी। आज जरूर आपको ये वीडियो देख के या मीटिंग से या कुछ जो हमने छोटे छोटे वीडियो डाले उससे पता चलेगा, पर अगर खाली वीडियो देखने से हम वेल्थ क्रिएटर बन जाते तो हम ना असाइनमेंट देते और ना 80% निवेशक अंडर परफॉर्म करते निफ्टी को, ना 50% निवेशक शेयर बाजार में लॉस करते, बराबर ना? क्योंकि बिकॉज आई थिंक एवरीवन नीड शॉर्टकट, लेकिन शॉर्टकट जिंदगी में काम नहीं लगेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी जबरदस्त, और ये टाइम मेहनत कम की है, ये नहीं चलेगा दोस्तों। ये वीक मैं चाहूंगा पूरे पूरा ध्यान से हर एक इंडस्ट्री को चेक करें, अब तक आप लोगों ने जो काम किया था वो टाइम कंज्यूमिंग था, वहां कितनी मेहनत करनी थी या मुझे क्या मेहनत करनी थी। मैं आया उधर टेलीकॉम सर्विस में, मैंने देखा स्टरलाइट टेक्नो है, चलो ट्रैक किया जाए स्टरलाइट टेक्नो। ये मैंने ओपन किए चार्ट, कितना टाइम लगता है, स्टरलाइट टेक्नो सबकी फेवरेट कंपनी, मैं गया मंथली में और मैंने देखा कि यह है स्टरलाइट। मैकडोनल्ड की कहावत, आपके जमाने में बाप के जमाने के भाव, अभी भी ये 2020 साल पुराने भाव पे है, जबकि इंटरनेट डिमांड में है। ऐसा क्यों? हाई डेप्ट वाला कंपनी है दोस्तों, ये भर भर के डेप्ट पड़ी हुई है, जिससे देखो डिमांड ये इंडस्ट्री में है, धंधा बढ़ रहा है, लेकिन वो सारी डिमांड खा जाता है हाई डेप्ट। ये बिल्कुल वॉलेटिलिटी बचा नहीं सकता है। क्यों नहीं बचा सकता है? क्योंकि मार्जिन कम। 2017 में ये उम्मीद थी कि अब स्टरलाइट जबरदस्त चलेगा, पर वो उम्मीद भी पानी में आ गई। नॉर्मल केस में हम कहते हैं हर ब्रेकआउट के बाद शेयर करीबन डबल होता है, ये भी डबल तो हुआ, पर डबल को क्या करेंगे? अगर मैं बोलूं वाव डबल हो गया, आप फंसे होंगे डबल में, राइट? निकलते नहीं है, क्योंकि हमने निकलने के लिए थोड़ी ना शेयर लिए। ये 400 वाला तो वापस 200 नहीं, वापस 50 रुपया, हाई वॉलेटिलिटी। दिस इज वॉट आई कैन लर्न फ्रॉम स्टरलाइट टेक्नो, अगेन ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। इसकी पुरानी आदत है, भूलिएगा नहीं, धोखा देने की है, दे सकता है धोखा। इस बार रैली भी आ सकती है, लेकिन अपने जीवन काल में हम बार बार हाई वॉलेटिलिटी पाएंगे, इसकी आदत है। ये 2000 में टूटा था 200 रुपए से, इसकी ताकत है 2 साल में 200 से 5 रुपए आ सकता है। 200 का 5 यानी कितना हुआ, कोई बता सकता है? लाख के 2000, बराबर ना?
देखो इस बार भी उसने वही करवट बदली, वही चीज उसने आपको याद करा दिया, भूलना नहीं मैं वही विलन हूं। इस बार मैं 400 से टूटा, मैं 40 रुपया 50 रुपया आ गया 60 रुपया, यानी मेरी आदत में नहीं बदलता हूं। लाख के 10,000 करने तो हमारी आदत है। इसी सेक्टर में दूसरी कंपनी है, किसी को ध्यान है इसकी? पीयर ग्रुप की कंपनी कोई भी, एनीबडी? एक कंपनी है जो एक जमाने में निफ्टी में थी दोस्तों। जी हाँ, दिस कंपनी वॉज इन निफ्टी फ्रॉम दिस सेक्टर। यस एनीबडी? हर्षद मेहता, केतन पारेख के टाइम की ये कंपनी HFCL। या अभी भी लोग पूछते हैं पीयूष भाई HFCL कैसी? अरे बहुत मस्त कंपनी, बार बार उसने आपको कितना कमा के दिया है। इतनी बार धोखा खाने के बाद भी हम कैसे यही प्रमोटर के पास जा सकते हैं बोलने के लिए कि नहीं इस बार धोखा मत देना? ऐसा कैसे हो सकता है? पिक्चर में ही होता है ना ऐसा, तो विलन का हृदय परिवर्तन हो गया और वो हीरो बन गया। नो माय डियर फ्रेंड्स, 2,500 का शेयर एक साल में 25, हाई डेप्थ वाली कंपनियों के यही हाल होते हैं दोस्तों। अभी भी 20 साल बाद भी वो 2,500 तो छोड़ो 50 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, और लोगों को ये दिखता है, अरे पीयूष भाई ये देखो कितना चल गया। वो ये नहीं देखते कि पहले क्या मार पड़ी हुई है इसकी, तो ये आदत है बार बार मार खाने की। क्यों हम ऐसी कंपनियों की बात भी करें, ये इतिहास बताता है। ऐसा तो होगा नहीं, जो 20 साल में नहीं हुआ वो होगा। इसी सेक्टर में कुछ और ढूंढो ना, राइट? दिस ऑल कंपनीज वर ब्रेक डाउन टाइप ऑफ कंपनी। इनका जो पुराना जो सपोर्ट था, ये जो सपोर्ट था ये वही के उसी के आसपास कहीं ट्रेड करती जा रही है, राइट? सपोर्ट से बाउंस जिनको चाहिए वो लोग काम करें, वेल्थ क्रिएटर इसका नाम न ले, राइट? इसी प्रकार से अब कितना टाइम हुआ मेरे को ये सेक्टर देखने में, कितना टाइम होगा अगर मैं एरोस्पेस देखूंगा, टेलीकॉम देखूंगा? आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा समय लगेगा, राइट फ्रेंड्स? आपको हर सेक्टर में जो जो कम से कम डिमांडिंग इंडस्ट्री है उनकी सबसे बढ़िया कंपनी, सबसे घटिया कंपनी देखनी ही चाहिए, राइट? तो मैं उम्मीद रखूंगा नेक्स्ट वीक आप लोग इस पे होमवर्क करेंगे, क्योंकि ये नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, राइट? तो यहां पे जो लोगों का होमवर्क है, लेट मी टॉक विद देम। जगदीश पटेल, यस यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ जगदीश भाई। यस सर। या जगदीश भाई, सो कैसे हो ओवरऑल? सब बढ़िया है जगदीश भाई? बढ़िया सर, एकदम। ओके, तो आपने काम किया है यहां पे, एक मिनट, 1, 2, 3, 4 चार सेक्टर, क्या बात है, वेरी गुड। 2-3 व्हीलर ओपन करूं मैं? हाँ कीजिए सर। ओके, तो 2-3 व्हीलर में फंडामेंटली तो आपने पहले ही देखा सबसे बढ़िया कंपनी कौन सी थी? बजाज ऑटो। बजाज ऑटो, डेप्ट फ्री, टॉप मार्जिन, हाई आईसीआर, बढ़िया एकदम, राइट? आपको कंपेयर करना चाहिए बजाज ऑटो और दूसरी कंपनियों को भी, साथ ही में अतुल, एटलास, एक बार नजर सब पे कर लेने की, ताकि जिंदगी में कभी भी पछतावा ना हो कि मैंने ये कंपनी नहीं देखी थी, बराबर? तो यहां पे मैं क्या ओपन करूं चार्ट, कौन सा चार्ट ओपन करूं? बजाज ऑटो का ही कीजिए सर। बजाज ऑटो, ओके। क्या समझ में आता है जगदीश भाई बजाज ऑटो के इस चार्ट से? अच्छी कंपनी है सर। या बढ़िया तो है ही, क्योंकि लेफ्ट से राइट जा रही है, नीचे से ऊपर है, अब ट्रेंड की कंपनी है। ये कंपनी ने अब भी एक ब्रेकआउट दिया है, यहां मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ? हाँ बराबर। देखो बहुत लोगों को लगता है कोरोना के बाद बजाज ऑटो नहीं चला, पर वो गलत बात है। बजाज ऑटो 2017-18 से नहीं चल रहा है, राइट और रॉन्ग?
2018 से, तो 2018 से शेयर में गिरावट थी। हमने पिछले दो साल पूरे एक लंबी रेंज में बिताए। इनफैक्ट ये वही भाव था जो यहां पे था, कोरोना के समय में काफी डैमेज हुआ था, राइट। 3400 वाला शेयर 1700, यानी कितना हो गया जगदीश भाई? आप हो गया सर आप, तो इसीलिए तो हम आपको एडवांस में कहते थे 50%। हाँ, 50% होना तो नॉर्मल बात है, 50% से भी ज्यादा शेयर टूटते और वो भी अच्छे अच्छे। तो देखो ये आपके सामने बजाज ऑटो आधा हो गया, पर हमें अपने आप से यही प्रश्न पूछना चाहिए, अगर बजाज ऑटो की ऑटो नहीं बिकेंगे तो किसके बिकेंगे? क्या कल से बिल्कुल लोग बाइक खरीदना बंद कर देंगे? क्या इनका धंधा हरगिज नहीं होगा? एक फेयर वैल्यू पे बाइंग आया और इस शेयर ने ब्रेकआउट कब दिया जगदीश भाई? 2000 दिख रहा है आपको? जनवरी 2021 में इसने ब्रेकआउट दिया और एक नई रेंज में जाने का प्रयास कर रहा है, राइट। ये 3400 से 1700 की रेंज थी, अब इसकी रेंज अपग्रेड हो जाएगी। तो हो सकता है आपको ये पुराने भाव देखने को न मिले, जिनको हम लोग कहते थे एसआईपी करो एसआईपी करो, जिन्होंने लोअर रेंज में एसआईपी किया है उनको अपने भाव दूसरी बार नहीं मिले। ये जो आया इसे क्या कहते हैं, नीचे आया शेयर ब्रेकआउट देने के बाद, इसको जगदीश भाई एक नाम दिया है हमने, रिवर्स, क्या बोलते हैं सर, ट्रेडर रिमोर्स, ट्रेडर रिमोर्स यानी पछतावा, ट्रेडर रिमोर्स, ट्रेडर रिमोर्स। तो ट्रेडर रिमोर्स आया, फिर वहीं से बढ़िया बाइंग आया पुराने सपोर्ट से, पुराने रेजिस्टेंस से, और अब ये नए हाई की और है। मुझे उम्मीद है हम इसी साल इसे 5000 रुपया देखेंगे, कोई उसमें डाउट नहीं है, राइट। तो आपको क्या लगता है जगदीश भाई, क्या बजाज ऑटो के जो धंधे है वो लाइफ टाइम हाई है? यस सर, बजाज ऑटो का भाव लाइफ टाइम हाई आगे आएगा? आएगा आएगा, लाइफ टाइम भाई आएगा, भाव आएगा। ओके, पर अभी लाइफ टाइम हाई सेल्स और प्रॉफिट है कि नहीं, ध्यान है आपको? हाँ है सर, पक्का एकदम पक्का है सर। बिहेवियर बोलिए, मार्च महीने का आप ही की बैच का। अब देखो आपने अगर लेटेस्ट रिजल्ट डाले होंगे तो आपको पता होगा, राइट। लेट मी चेक, मैं जाता हूं सीधा यहां पे, आप ही का मैंने स्प्रेडशीट खोला, बजाज। ओके, क्या बात है, आप ही ने काम किया है ना जगदीश भाई? हाँ सर। ओके, तो 2021 में जगदीश भाई लाइफ टाइम हाई सेल्स नहीं है, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट नहीं है, पर अभी क्या आप 2021 में हो? आप कौन से साल में हो? 21-22 में, 22 में, राइट। 21-22 यानी 2022। तो अब जबकि आप 2022 में हो, आपको देखना होगा 2022 में क्या बजाज ऑटो लाइफ टाइम हाई सेल्स करेगा, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट करेगा। अगर करेगा तो आप ब्रेकआउट देखने ही वाले हो। तो नतीजे आपने डाले हुए ऑलरेडी क्वार्टरली रिजल्ट्स के हिसाब से, वेरी गुड। आप लोगों ने ये क्वार्टरली रिजल्ट डाला और आपने अपेक्षा रखी है कि इस साल आप क्या देखने वाले हो, लाइफ टाइम हाई धंधा, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट। तो उसकी इफेक्ट किधर आई? चार्ट पे आएगी सर, आ गई है लाइफ टाइम हाई, तो भाव चल रहा है आपका? चल रहा है। तो ये क्यों समझ में आया? एडवांस में या तो ऐसा ही होगा, पहले से तैयारी रखने की। हमने एडवांस में बोला था कि नहीं, बालकृष्ण में, मदरसन में कि ब्रेकआउट देगा, अमरा राजा भले किसी ने बेचा है तो प्रेशर में है, पर अगर उसका धंधा लाइफ टाइम हाई है, प्रॉफिट लाइफ टाइम हाई है, तो आज नहीं तो कल उसको आना ही है। हर वो कंपनी जिनके धंधे सुधर रहे हैं उनको कोई चलने से रोक नहीं सकता है, कोई कॉर्पोरेट एक्शन से ऐसा नहीं होगा कि भाव पे ब्रेक लगे। तो हियर एज यू कैन सी योर शेयर इज एट लाइफ टाइम हाई,
बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग लाइफ टाइम हाई सेल्स एंड प्रॉफिट. अब यही चीज आपकी दूसरी कौन सी कंपनी है, आइसर मोटर. लेट मी चेक, किसने काम किया है क्या आइसर पे, देखने दो मेरे को. आपकी बैच में अगर किसी का आइसर पे काम था, महेंद्र भाई क्या बात है. यस महेंद्र भाई. यस सर. अच्छा, पर बिस्के डेटा नहीं है, ऐसा है यहाँ पे आपके पास कि है नीचे. अरे सर, एकदम परफेक्ट काम, क्या बात है. तो आप इस साल क्या उम्मीद कर रहे हो, ये जो है वो 11,000 करोड़ का धंधा. यस सर, यस सर, 11,000 करोड़ का धंधा और प्रॉफिट 2400 करोड़ का. एक्चुअली नहीं सर, सीएजीआर मेथड से नीचे गया तो प्रॉफिट आएगा 1900 करोड़ का. ओके, तो 1900 करोड़ का प्रॉफिट और धंधा 11,000 करोड़ का. लेट मी चेक योर डेटा. धंधा आपने 10,900 का लिखा हुआ है. अब 2021 का नहीं डाला डेटा मेरे पास एक्सेल में, इसमें नहीं डाला. कोई बात नहीं, देखो मेरे को प्रॉफिट से तो क्लियरिटी हो गई कि 2,000 करोड़ का अगर प्रॉफिट इस साल आईसर करेगी तो वो लाइफ टाइम हाई नहीं होगा, क्योंकि लाइफ टाइम हाई तो इधर था 2019 में, उनका प्रॉफिट 2200 करोड़ था. तो अगर आईसर 2200 के परे जाता है प्रॉफिट, तभी हम ब्रेकआउट देखेंगे. राइट, ये राइट सर. लेकिन बजाज ऑटो ने ब्रेकआउट दिया, उम्मीद रख सकते हैं कि आईसर के भी नतीजे भविष्य में अच्छे आए, अभी नहीं है. चलो चार्ट देखते हैं. बट सर मीन्स इसके अंदर हमको क्लोजली ट्रैक करना चाहिए, बिकॉज जो लाइफ टाइम हाई से गैप जो है प्रॉफिट का वो बहुत नैरो है. सो आई थिंक हाँ, सो क्वार्टरली रिजल्ट में अगर हमको कुछ हाई मिलता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट देगा. करेक्ट, पर अगर लाइफ टाइम हाई मतलब 2200 के बदले 2250 करोड़ आए प्रॉफिट, तो वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. 2400 के आजूबाजू आने का चांसेस है सर, 2400 के आजूबाजू. ओके, तो आपने ये जो 2000 करोड़ का प्रॉफिट आएगा ऐसा लिखा है, ये कितने परसेंटेज का एस्टीमेट लिया है प्रॉफिट? एक जस्ट मिनट, 3% सर, सीएजीआर 3%. यस सर. तो मतलब महेंद्र भाई एक बात क्लियर है, अगर आपका आईसर 6% 10% से भी प्रॉफिट बढ़ा है तो भी लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट आएंगे. आएंगे, यस सर. चलो तो ट्रैक करेंगे अपन. फिलहाल देखो भाव पे भी इफेक्ट है, बजाज ऑटो ने ब्रेकआउट दिया, आईसर ने दिया नहीं दिया? नहीं दिया. आईसर 2017 के भाव से अभी भी नीचे है, क्यों? आपको फंडामेंटल ने आंसर भी दे दिया है, कौन आउट परफॉर्म कर रहा है वो भी आपको आंसर मिल गया. क्लियर है एकदम जगदीश भाई और महेंद्र भाई? यस सर. डेटा है वो. यस सर. राइट, दिस इज द वे वी कैन ट्रैक. एडवांस में उम्मीद रखेंगे, शेयर कहां पे भी नीचे हो हम एडवांस में भी उम्मीद रख सकते हैं ब्रेकआउट देगा, प्रोवाइडेड डेटा अच्छे है. राइट, आपको एडवांस में पहली तारीख को जो ऑटो डेटा आते हैं उससे भी पता चल जाएगा कि आइसर मोटर की गाड़ियां बिक रही है कि नहीं बिक रही है. तो रिजल्ट की वेट नहीं करने की महेंद्र भाई. यस सर, बराबर ना, पहली तारीख ऑटो वालों के लिए इंपॉर्टेंट है. तो हियर वी हैव सीन टू कंपनीज. मेरे को यहाँ पे ये दूसरी कंपनी अभी आप लोग कंपेयर कर लीजिएगा. मैं यहाँ पे सीधा एटलास के चार्ट पे जाता हूं. दिस इज एटलास साइकिल, दिस इज द चार्ट. पता नहीं मुझे क्यों बार बार ये शेयर के लिए बहुत लोगों का रिकमेंडेशन आता है. क्या मैं लू इसको? नहीं लेना चाहिए सर. हाँ? नहीं लेना चाहिए. अब आप नहीं बोलोगे जगदीश भाई, और इधर से इधर तक आया बोले के जगदीश भाई तुमने मना किया था, ये शेयर तो चला फिर से नीचे आएगा ना सर. मतलब हाँ, फिर से नीचे आएगा. चल तो ऐसे का क्या भरोसा आपको? आपको क्या इतना चलना चाहिए क्या? दोस्तों 5-10 गुना रैली कुछ भी नहीं है बाजार में. बिलीव मी, 10 साल रखो शेयरों को. आप अपने पोर्टफोलियो में जो शेयर लिए हुए ना, 5-10 गुना रैली तो सब गरीब शेयर देंगे, अच्छे शेयर आपके 30-30 गुना 50 गुना 100 गुना होंगे.
तो ये 5 गुना रैली के लिए शेयर बाजार मत करना, राइट। ये देखो एटलास भी करता है, क्या बनना। सो फॉरगेट दिस ऑल कंपनीज। ये क्यों एक रेंज में चल रही है? क्योंकि इसकी रेंज यही है, ये इतना ही धंधा और प्रॉफिट करती है। पर बजाज ऑटो क्यों चला? वो सटोड़ियों की वजह से नहीं। कुछ लोग बोलते हैं पीयूष भाई उसमें ना ऑपरेटर बहुत एक्टिव है। अरे ऑपरेटर एक्टिव यानी इसका मतलब क्या? ऑपरेटर एक्टिव यानी ऑपरेटर चलाते हैं क्या शेयर को? कोई ऑपरेटर नाम की चीज नहीं होती है, ऑपरेटर कैसे चला सकता है? ये कोई छोटी छोटी कंपनियां थोड़ी ना है जिनके 10 शेयर है और ऑपरेटर ने इसको दे चला लिया। और ये पुराना जमाना नहीं है जब ऑपरेटर चलाते थे, किसी को पता नहीं चलता था। अभी तो कोई भी शेयर खरीदो सीधा आपको देना पड़ता है डिटेल कि हमने कल इतनी बड़ी क्वांटिटी मात्रा में शेयर लिए है, कंप्लीट ट्रैकेबल है, राइट। तो शेयर चलते भी है वैल्यूएशन से, टूटते हैं वैल्यूएशन से, राइट। कभी कभार गड़बड़ी होती भी है, इट्स ऑल राइट। गड़बड़ी वाले शेयर से दूर रहो, बराबर है। तो दिस इज योर सेक्टर विच यू आर सपोज टू ट्रैक। ये सेक्टर के अलावा महेंद्र भाई ने एग्रोकेमिकल। सर हाँ बोलो सर, ये मैंने बाइंग लेवल जो लिखा है वो सही है, चेक कीजिए खाली। कौन सी कंपनी का? बजाज ऑटो। बजाज का ही। ओके, आपने 3446 से 2734 की रेंज दी है। आपने 2734 यानी यहां पे रखा, बराबर ना। देखो असल में इसकी रेंज ये है, ये जो गिरा ये एक फेक ब्रेकडाउन था जो कि दूसरे में नहीं कवर हो गया। आपको 3500 से 2500 की एक रेंज है, वहां से निकल गया है। इसका 3500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मतलब कोई भी केस में आप 2500 देखना मुश्किल है। तो आप ये रेंज ध्यान में रखेंगे, हो सकता है नबी आए। ये रेंज ध्यान में रखनी चाहिए, 3480 शुड बी योर स्ट्रॉन्ग बाइंग रेंज। जितना इस लेवल के नजदीक लोगे उतना आपको फायदा मिलेगा। आप यहाँ पे रेंज नहीं लिख पाओगे, राइट। तो अभी मैं 3446 2734, चलो ये रेंज को मैं ध्यान में रखता हूं। अपर रेंज से मेरे को एक्टिव रहना पड़ेगा जगदीश भाई, बराबर है। ये देखो कैसा हुआ, बराबर टूटा, पर टूट के सपोर्ट भी इसने ये पुराने रेजिस्टेंस पे लिया। तो यहाँ कौन बाइंग करने आ गए? पुराने निवेशक जिन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ है और नए निवेशक, राइट। तो ब्रेकआउट इज योर बाइंग लेवल। या कहिए क्या कह रहे हो सर? सेम एक कंफ्यूजन था, सो मोर ऑर लेस इधर क्लियर हो गया कि हाँ। जैसे हमने लोअर रेंज, आपने बोली कि लोअर रेंज के पास शेयर्स आएगा ही नहीं, तो शेयर्स के आप जैसे समझे कि रेंज चेंज करते हैं। तो जैसे अभी बजाज ऑटो ने ऑलरेडी रेंज चेंज कर लिया है, तो ज्यादा से ज्यादा वो अपर रेंज के सपोर्ट लेवल तक आएगा, उससे नीचे आने का चांसेस बहुत रेयर केस में रहेगा, या फिर कि उसका फंडामेंटल चेंज हो गए, राइट। देखो एक ही केस में महेंद्र भाई ये इस रेंज में वापस आएगा, एक ही केस में। अगर बजाज ऑटो के धंधे और प्रॉफिट नहीं बढ़ते हैं, बराबर की नहीं। भी आपने एक पॉलिसी अनाउंसमेंट देखा था गुजरात ने किया ई व्हीकल पे, हाँ वो सब्सिडीज दिए हुए, सब्सिडीज दिए, तो ऑटो रिक्शा को भी सब्सिडी दी हुई है, उसका भी फायदा उठा सकता है। ई व्हीकल टू व्हीलर पे सब्सिडी आई, उसका भी फायदा हो सकता है। और ओवरऑल भगवान ने भी सब्सिडी दी है, अच्छी बरसात गिरेगी ऐसा लगता है, तो रूरल में बिक्री बढ़ेगी। तो हम उम्मीद जरूर रख सकते हैं कि ये रेंज अभी ना आए, हम हायर रेंज अभी देखें। तो अगर नहीं है तो मुझे थोड़े अपर रेंज में ले लेने चाहिए, राइट। तो गुड जगदीश भाई, आपने परफेक्ट जगह पे लाइन रखी हुई है, पर समझ भी जाना चाहिए कि ये रेंज पे आएगा कि नहीं शेयर, बराबर ना। अगर आप टीवीएस मोटर या किसी और कंपनी के बारे में बोलो तो वह वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है, डेप बर्डन है जिससे नीचे की रेंज आ सकती है,
बराबर, पर बजाज ऑटो की तो इन्फ्लेशन बढ़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डेब्ट फ्री कंपनी। नाउ यस महेंद्र भाई, आपने ये सारे सेक्टर में काम किया हुआ है, आप बोलो वो सेक्टर को मैं ओपन करूं। एग्रोकेमिकल्स सर, एग्रोकेमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स में दो सीट है, एक पीआई की है, क्यूपीएल की है। सो पहले तो दोनों के मैंने डाली हुई है क्या? हाँ समझाइए, यूपीएल समझाइए पहले आप। सर यूपीएल में थोड़ा डाउन जाइए, मैंने उसके फेवरेबल और अनफेवरेबल पॉइंट चेक है, सो फर्स्ट वो डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो यूपीएल का सेल्स हाईएस्ट मींस इंडिया में एग्रोकेमिकल्स में उसका सेल्स हाईएस्ट है, मींस ऑल सब एग्रोकेमिकल्स में। उसका ग्रोथ भी सेकंड हाईएस्ट है फॉर लास्ट सिक्स इयर्स, और उसका मार्केट कैप हाईएस्ट है, सो दिखाता है कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है अभी आज के एज ऑफ नाउ तो। दूसरा उसका आरओआई 14% के आजू बाजू है, सो लुक्स गुड। उसका अनफेवरेबल पॉइंट है कि हाई डेप्थ है, नेट प्रॉफिट मार्जिन बिकॉज ऑफ डेप्थ की वजह से इंटरेस्ट पूरा पैसा खा जा रहा है, सो मार्जिन कम है। और हाई सेल्स ग्रोथ जो इसमें दिख रहा है, तो उसने जो एरिस्टा लाइफ साइंस को अक्वायर किया है लास्ट ईयर, सो आई थिंक हाई सेल्स ग्रोथ उसकी वजह से दिख रहा है। तो जब तक हमको नेक्स्ट बिजनेस ईयर का कुछ इनपुट नहीं मिले, लाइक रिजल्ट नहीं मिले, तब तक हम ऐसा बोल नहीं सकते कि ये आगे बढ़ेगा। लेकिन साथ ही साथ इसमें एक चीज ये भी है कि यूपीएल ने एरिस्टा लाइफ साइंस को अक्वायर करने के बाद वर्ल्ड की टॉप 10 एग्रोकेमिकल्स कंपनी में उसका नाम आया है, सो दैट इज ऑल्सो लुक्स पॉजिटिव। और यहाँ पे लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे कि अगर इसने इन ऑर्गेनिक ग्रोथ किया है तो वो नेगेटिव कैसे है? अगले साल क्या उनको वो एक्वायर कंपनी से धंधा नहीं आएगा? नहीं नहीं, नेगेटिव नहीं है एक्चुअली, सॉरी नेगेटिव पॉइंट नहीं है, लेकिन अभी उससे कितना बड़े है, क्योंकि मेरा एक दो तीन मैं जहाँ पे काम करता हूँ तो कंपनीज क्या करती है कि ऐसी कोई कंपनी को अक्वायर करती है, लाइक मेरी कंपनी को भी किसी कंपनी ने अक्वायर किया था, फिर एक दो साल तक वो लोग प्रोडक्ट रेशनलाइजेशन चलता है, पुरानी कंपनी का प्रोडक्ट को वो कुछ डिसकंटिन्यूएट करते हैं, कुछ नया प्रोडक्ट डालते हैं, सो ये सब जो प्रोडक्ट रेशनलाइजेशन का पीरियड रहता है उसके लिए वो दो तीन साल लगा देते हैं कभी कभी, सो वो टाइम पे हमको उसमें ग्रोथ नहीं दिखता है। पर ये जरूरी नहीं है महेंद्र भाई। ओके देखो हाई ग्रोथ कंपनी तो तुरंत ही आ जाती है टर्नओवर, नई कंपनी जिसको टेक ओवर किया है, आप अल्ट्राटेक देखो, सब लॉस मेकिंग कंपनी को उन्होंने पहले साल प्रॉफिट में किया। ओके सेंचुरी सीमेंट के पहले साल ही ब्रांड बदल दिया, जेपी जितनी भी कंपनी खरीदी इतनी सब लॉस मेकिंग प्रॉफिट। आप यूपीएल देखो, यूपीएल की ये पहली कंपनी नहीं है जो उन्होंने खरीदी है, वो 40,000 करोड़ पहुंची ऐसे अक्वायर कर करके, सही में। तो मतलब हमें इनको शाबाशी ये देनी चाहिए कि हम तुम्हारी आदत समझ गए, तुम 40,000 से 4,00,000 करोड़ भी पहुंचोगे क्योंकि तुमको ग्रोथ करना आता है, हम एक्वायर करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, बराबर ना? क्योंकि ऑर्गेनिक ग्रोथ इतना पॉसिबल नहीं होता है। अगर हम दूसरी कंपनी खरीदे देखो, बैठा बैठाया प्लांट मिल गया, अब उनकी प्रोडक्ट तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें फायदा क्या मिलता है कि भाई हमारी कैपेसिटी बढ़ती है। राइट, तो इधर एक और एक पॉइंट है सर, मैं ज्यादा नहीं बोल सकूंगा, लेकिन यूपीएल का अभी एक और एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है कि यूपीएल अभी क्या कर रही है कि ऐसे जैसे वो वर्ल्ड के टॉप 10 कंपनीज में आई, तो हमने एग्रोकेमिकल, मेरा खुद का जॉब जो है वो एग्रोकेमिकल्स में ही है, तो वो एग्रोकेमिकल्स अभी लास्ट दो तीन सालों से या फिर पांच सालों का मैं एक्सपीरियंस अगर बोलूँ ना, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो ऐसे ही मर्ज कर रहे और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाते हैं हर एक जो बड़ी बड़ी कंपनी देते हैं। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में मैंने क्या देखा है कि लाइक मेरी एक प्रोडक्ट, मेरी कंपनी खुद एक प्रोडक्ट बनाती थी, वो अच्छी प्रोडक्ट थी, हाई मार्जिन प्रोडक्ट थी, फिर भी उसने वो प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूड कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि उसकी जो सामने वाली कंपनी थी वो भी यही बनाती थी, और उसके अलावा एक और प्रोडक्ट जो वो बनाती थी वो उसने बंद कर दिया और हमने बनाना शुरू कर दिया।
तो ऐसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करके वो लोग ग्रोथ करने की या फिर वो एक प्रोडक्ट में मोनोपोली क्रिएट करने की ट्राई करते हैं। सेम वे में यूपीएल में भी अभी आज की डेट में कुछ हो रहा है ऐसा, सो मेरे को थोड़ा इंटरनली पता है इसके लिए बोल रहा हूँ। और साथ ही साथ यूपीएल का एक